नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग एकेडमी फॉर आर्मी बॉयज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि हम आगे आपके लिए भर्तियों के बारे में जो जानकारी एवं रनिंग की टेक्निक के बारे में वीडियो एवं जो किसी भी भर्ती का रिजल्ट इत्यादि के बारे में जो भी वीडियो लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी रिजल्ट 2019। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो टेरिटोरियल आर्मी के सभी सेंटरों के भर्ती के पेपर हो चुके हैं और सभी कैंडिडेट बहुत दिनों से इसके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक जो सेशन बताऊंगा कि किस तारीख से किस तारीख के बीच में सभी सेंटरों का रिज़ल्ट आ जाएगा और किस कारण रिज़ल्ट इतना लेट हुआ है। दोस्तों, 25 अप्रैल को सभी सेंटरों का रिज़ल्ट बनकर तैयार हो गया था, लेकिन जो हमारे लोकसभा के चुनाव हैं इनमें हमारे सेना या कुछ सुरक्षा के लिहाज से इन सेंटरों का रिज़ल्ट लेट कर दिया गया है। तो दोस्तों, 23 तारीख को लोकसभा चुनाव के रिज़ल्ट आने के बाद 25 तारीख और अगले महीने की 7 तारीख के बीच कन्फर्म आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। एक भी ऐसा सेंटर नहीं रहेगा जिसका रिज़ल्ट नहीं आएगा दोस्तों। और जिन सेंटरों का रिज़ल्ट आ जाएगा आपको सबसे पहले जानकारी हमारे चैनल पर दी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।